मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का नव ज्ञान ज्योतिष चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे कि अगर लग्न पे ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो किस प्रकार का प्रभाव हमें मिलता है। अगर सूर्य की दृष्टि होगी तो अलग प्रभाव होगा, चंद्र की दृष्टि होगी अलग प्रभाव होगा, शनि राहु केतु की दृष्टि होगी तो उसका अलग प्रभाव होगा, मंगल की दृष्टि का अलग प्रभाव होगा, बुध और गुरु अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो उसका अलग प्रभाव होगा। तो कौन सा ग्रह आपके लग्न को देख रहा है आप अपनी कुंडली में देखिए। यदि आपके लग्न पर सूर्य महाराज की दृष्टि पड़ रही है तो जो आपका स्वभाव है वह उग्र होगा, साथ ही साथ आपके अंदर आत्मविश्वास भारी मात्रा में होगा। बशर्ते ये देख लीजिएगा कि सूर्य जब लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं तो उनकी अवस्था क्या है, वो बली अवस्था में है, उनकी जो दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है मित्र राशि पे पड़ रही है या शत्रु राशि पे पड़ रही है। अगर मित्र राशि पे दृष्टि पड़ रही है, उच्च की राशि पे दृष्टि पड़ रही है या अपनी सम राशि पे दृष्टि पड़ रही है तो भरपूर मान सम्मान जीवन में सूर्यदेव आपको दिलाएंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जब लग्न पे पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति नेम फेम पॉपुलरिटी बहुत पाता है जीवन में। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों का मान सम्मान समाज में तो होता ही होता है, अगर सरकारी नौकरी का भी ये प्रयास करते हैं तो जातक को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बैठ करके ऊंचाइयाँ बहुत देते हैं। अगर बात करें मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे है तो यदि आपकी मंगल कुंडली में बैठे हैं छठे भाव में, सातवें भाव में, या आपके मंगल जो है दसम भाव में बैठे हुए हैं तो आप समझ जाइए कि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। ऐसे में मंगल देव आपको धैर्यहीन बना देंगे, क्योंकि मंगल जल्दबाजी का कारक है, प्रत्येक काम आप बहुत जल्दी जल्दी करेंगे और धैर्य की कमी के चलते कई बार आप जो है धोखा खा जाते हैं। तो यदि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और लग्नेश भी कहीं कमजोर हैं तो ऐसे में आपको परेशानी होगी, किंतु मंगल की दृष्टि यदि आपके लग्न पे पड़ रही है और लग्नेश मजबूत अवस्था में है तो आप अपने ऊर्जा के दम पे, अपने परिश्रम के दम पे समाज में विशेष ऊंचाइयां पाएंगे। तो आप पहले ये देखिए कि मंगल की जो दृष्टि लग्न पे पड़ रही है वह नीच की तो नहीं है या शत्रु राशि की तो नहीं है। तब मंगल की अगर दृष्टि लग्न पे पड़ेगी तो ऐसे में आपको विशेष दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जल्दबाजी के कारण कई बार आप अपना काम बिगाड़ेंगे। बात करते हैं अगर बुध की, तो बुध अगर सप्तम भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर बुध की सीधी दृष्टि आपके लग्न पे जाएगी, ऐसे में आपका जो स्वभाव है वो स्थिर नहीं होगा, चंचलता आपके अंदर बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी होगी, दूसरों से कहीं ना कहीं आपके अंदर ईर्ष्या रखने की भावना भी उत्पन्न कर देते हैं ये बुध देव। किंतु यदि ये अपनी ही राशि को देख रहे हैं, मित्र की राशि को देख रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धिमता के दम पर प्रत्येक काम में विजय हासिल करता है। यह मैनेजमेंट का ग्रह है तो प्रत्येक काम को ये आसानी से मैनेज कर लेता है, व्यापार का कारक है तो इसलिए ऐसे व्यक्ति व्यापार में भी कहीं ना कहीं भारी मात्रा में सफलता हासिल कर लेते हैं यदि बुध की दृष्टि लग्न पे है और लग्न बुध का मित्र है। बात करें अगर चंद्र ग्रह की, तो चंद्र यदि आपके सप्तम में विराजमान है तो इनकी सीधी दृष्टि लग्न पे जाएगी। तो चंद्र एक ममतामयी ग्रह है, चलायमान है, अस्थिरता इनके अंदर है, ये स्थिर नहीं है। ऐसा व्यक्ति जीवन में हवाई किले बहुत बनाता है, सोचता रहता है कि ये करेंगे वो करेंगे लेकिन अंत में निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। हालांकि चंद्रदेव यदि लग्न पे दृष्टि डालेंगे तो ऐसा जातक दिखने में सुंदर तो अवश्य होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यदि ये अपने मित्र की राशि पर या उच्च की राशि पर दृष्टि डाल दें तब तो ऐसा व्यक्ति जो ठानेगा वो कर डालेगा। किंतु यदि चंद्र की दृष्टि वृश्चिक राशि पे है, यानी कि आपके लग्न में 8 नंबर लिखा है और चंद्र सप्तम भाव में विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति आलसी हो जाता है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता है, सोचता बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए लेकिन वह कर नहीं पाता है। लेकिन चंद्र कैसा भी हो अगर लग्न पे दृष्टि डाल रहा है, आपके सप्तम भाव में विराजमान है, तो निश्चित ही आप दिखने में सुंदर होंगे। बात करें गुरु की, यदि गुरु आपके पंचम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं या
नवम भाव में बैठे हैं तो इनकी दृष्टि लग्न पे जाएगी। ऐसा व्यक्ति विशेष ज्ञानी हो जाता है, प्रत्येक क्षेत्र में वह महारत हासिल कर लेता है, चाहे वह क्षेत्र कोई भी हो। चेहरे से उसके ज्ञान झलकता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है, धर्म के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, धार्मिक यात्राएं करने पर भी विश्वास रखता है। इसके अलावा प्रवक्ता भी ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा बन जाता है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, ऊंचाइयों के कारक हैं। ऐसे में गुरुदेव की दृष्टि जब आपके लग्न पे जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको ऊंचाइयां मिलेंगी, समाज में मान सम्मान मिलेगा और जिस क्षेत्र में भी आप हाथ डालोगे निश्चित ही सफल हो जाओगे। भले ही वह लग्न कोई भी हो, गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, इसलिए यदि दृष्टि इनकी लग्न पे पड़ेगी तो आप ये यकीन मानिए कि प्रत्येक काम में कहीं ना कहीं सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बात करें अगर शुक्र की, यदि शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पे है तो क्या होगा? तो शुक्र लग्न पे तभी दृष्टि डालेंगे जब वो सप्तम भाव में विराजमान होंगे। शुक्र अगर सप्तम भाव में विराजमान है और लग्न पे दृष्टि डालेंगे तो आप कामी स्वभाव के होंगे, काम वासना आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर होता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। ऐसा व्यक्ति सजने संवरने में विश्वास रखता है, अपोजिट सेक्स के प्रति ऐसा जातक विशेष आकर्षण रखता है। तो ऐसे व्यक्ति भी कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र में गुरु की तरह सफल हो जाते हैं। जिस तरीके से गुरु प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं, इसी तरीके से शुक्राचार्य भी प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। तो यदि शुक्र की दृष्टि है तो यह भी बहुत शुभ है, प्रत्येक क्षेत्र में आपको महारत हासिल होगी, भरपूर मान सम्मान ऊंचाइयां आपको मिलेंगी। बात करें अगर शनि की, तो शनि की दृष्टि यदि आपके लग्न पे है तो आप प्रत्येक काम में देरी करेंगे। शनि की दृष्टि तभी लग्न पे पड़ेगी यदि बाय बर्थ आपके शनिदेव चतुर्थ भाव में विराजमान हैं, शनिदेव सप्तम भाव में विराजमान हैं, या शनिदेव बाय बर्थ आपकी कुंडली में ग्यारहवें भाव में विराजमान हैं। और लग्न में जब इनकी दृष्टि जाएगी तो प्रत्येक काम में देरी होगी। एक काम को चार बार जब आप करेंगे तब जाके कहीं आपको सफलता मिलेगी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते जाएंगे, असफल तो नहीं होंगे ये तय है, लेकिन सफलता आपको बहुत देर में मिलेगी। ऐसे में व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा, यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है या आपकी सिंह लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है या मेष लग्न की कुंडली है, तब शनि की यदि दृष्टि लग्न पे जाती है तो ऐसे में विशेष दिक्कत होती है। तब आपको सफलता देर में नहीं, बहुत ही ज़्यादा देर में मिलेगी, जिसका दुष्प्रभाव यह रहता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और उस डिप्रेशन के चलते चलते वह अपनी हिम्मत भी कहीं ना कहीं हार जाता है। बात करें अगर राहु की, अगर राहु की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है तब क्या होगा? तो राहु पंचम भाव से, सप्तम भाव से और नवम भाव से आपके लग्न पे दृष्टि डालेंगे। तो जब राहु की दृष्टि लग्न पे होगी तो ऐसे में व्यक्ति थोड़ा धूर्त किस्म का हो जाता है, जुगाड़ से प्रत्येक काम को करने की कोशिश करता है, 420 कूट कूट के उसके अंदर भरी होती है। हालांकि यदि आपकी मिथुन लग्न की या कन्या लग्न की कुंडली है तो राहु का शुभ प्रभाव भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। तुला लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है, मकर या कुंभ लग्न की कुंडली है और राहु लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि से प्रत्येक काम को सफल बना लेता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो वह आसानी से कर ना सके, लेकिन 420 उसके अंदर निश्चित ही पाई जाती है, क्योंकि राहु एक धूर्त ग्रह है और जब धूर्तता वाला ग्रह लग्न पे दृष्टि डालेगा, आपके व्यक्तित्व पे दृष्टि डालेगा, तो जाहिर सी बात है धूर्तता कहीं ना कहीं आपके अंदर आ जाती है। अब बात कर लेते हैं अंतिम ग्रह केतु की। यदि आपके लग्न पर केतु की दृष्टि पड़ रही है तब क्या होगा? तो केतु का यदि फल समझना है तो आप मंगल की तरह समझिए। पहली चीज़ तो धैर्य की कमी ये कर देंगे आपके अंदर। दूसरी चीज़, केतु जब पंचम में, सप्तम में या नवम में बैठेंगे तभी ये लग्न पे दृष्टि डालेंगे, तो अक्सर ये बुद्धि काट देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। केतु यदि आपके लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं तो एक थोड़ा बुराई भी है कि आप कोई काम यदि करने जा रहे हैं उससे पहले अगर आपने वह काम किसी से कह दिया तो काम आपका पूरा नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों को नज़र बहुत जल्दी जल्दी लग जाती है,
मित्रों, जब प्रत्येक ग्रह लग्न पे दृष्टि डालता है तो अलग अलग प्रभाव देता है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर लग्न पर जिस ग्रह की दृष्टि है, अगर लग्नेश और लग्न उसका मित्र है, या जो ग्रह लग्न पे दृष्टि डाल रहा है वह स्वयं लग्नेश है, या लग्न पे जो ग्रह दृष्टि डाल रहा है वह उसकी उच्च राशि है, यानी कि सूर्य अगर 7 नंबर में बैठे हैं सप्तम भाव में तुला राशि में, तो इनकी जब दृष्टि लग्न पे पड़ेगी तो वह उच्च की हो जाएगी। अर्थात जो ग्रह लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं वह उनकी मित्र की राशि है, उच्च की राशि है, या उनकी खुद की राशि है, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यदि जो ग्रह लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं वह उनके शत्रु की राशि है, नीच की राशि है, तो ऐसे में आपको अशुभ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किंतु गुरु और शुक्र मात्र दो ग्रह ऐसे हैं कि शत्रु राशि को भी यदि ये देखते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, यदि वो पीड़ित ना हुए तो। तो प्रत्येक ग्रह जब लग्न पे दृष्टि डालेगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, आपने इस वीडियो में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑल को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल्पना उपस्थित होंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार।